भाभी आप भी इधर दुआओं से नवाज दें, अम्मी आप भी दे दें दुआएं। अच्छा कौन कौन यहाँ बैठे, जरा माइक तो दे, माइक दे दे जरा जी। कहाँ गए माइक? हाँ अच्छा थोड़ा सा बेटा नीचे आ जाओ ना, तो नीचे आके दे देती बड़ा अच्छा होता जी। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? खैरियत से? आई नहीं थी ना आप रमजान में हैं, अब्दुल्ला की वजह से जी। इसकी आंखें किस पे गई हैं? अपने आप पे। और आप भी माशाल्लाह उनकी आंखों के बारे में कहती रही हैं अमूमन, क्या कहती रही हैं बता दें आज? अच्छी डीप आईज हैं। डीप आईज है? डीप आईज है, बहुत डीप डीप आईज हैं। डूब चुकी हैं आप? अभी नहीं। हाँ अभी नहीं डूबी। अच्छा अभी डूबी नहीं। म्यूजिक तो शुरू हो गया है, तो अगर आप अभी तक नहीं डूबी तो कब डूबोगी? इतने मुश्किल सवाल कर रहे हैं। नहीं वो एक सवाल है, नहीं पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है। बता दे। अच्छा मतलब ये कि ये बच्चा मासूम है, कुछ नहीं कहता इस मामले में? मैं क्या कहूँ इस मामले में? नहीं ये तो कुछ कह ही नहीं रहा, तो बेचारा चुपचाप बैठा है। हाँ मैं मैंने हाँ मैं मैं नहीं समझ नहीं आया मैंने ये हाँ सास आ गई आपकी उम्र जी? अम्मी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक अल्लाह। आपको याद है जब आप तशरीफ लाई थी तो मैंने कहा था कि ये बहुत बड़े बैट्समैन बनेंगे? भाभी ने इख्तलाफ किया था मुझसे, कहा था ये कीपर ही बहुत अच्छे हैं। जी जी। लेकिन आज इन्होंने साबित कर दिया आपके बेटे ने, बैट्समैन भी अच्छे हैं, कीपर भी अच्छे हैं और कैप्टन भी अच्छे हैं। जी जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपके बेटे ने एक मरतबा फिर मुझे एक तारीखी धोखा दिया, जबकि ये धोखा नहीं देता। इन्होंने मुझसे कहा था कि जिस दिन अम्मी आएंगी मैं बताऊंगा आपको, और आप आएंगे, नहीं बताया मुझे। लेकिन आप कुछ नहीं कहेंगी इनको, आज भी हर वक्त आप इनके लिए सिर्फ दुआएं करती रहती हैं, कभी कुछ कह भी दें, कह के तुमने क्यों नहीं बुलाया मेरे दूसरे बेटे आमिर को, कह तो दे, वो आप ही कुछ नहीं बोलेगा। हंसा भाई देखो माँ फिर भी नहीं कहेगी कुछ, माँ माँ होती है, माँ ने कुछ नहीं कहना। बेशक माँ का नियामल बदल नहीं, ना माँ का कोई नियामल बदल नहीं, माँ का कोई नियामल बदल नहीं है। बेशक ये बात दुरुस्त है। और हमने शफीक भाई से मुलाकात की थी, तशरीफ लाए थे जी जी, वो आपका जिक्र हुआ था और मालूम था कि आप आने वाली हैं उम्रे से, तो मैं आऊंगा। अम्मी आप ही बुला लें मुझे घर अपने, आप आइए हमारे घर, बिल्कुल शौक से आए। या अल्लाह शुक्र तेरा, किसी ने तो बुलाया तो मैं आता हूँ, आपने भी नहीं बुलाया मुझे ऐसे, हालांकि आपको पता है कि आपको मुझे वैसे भी बुलाना चाहिए, लेकिन आपने मुझको नहीं बुलाया। ठीक है जी। अच्छा बाकी सबका मुझे तारुफ करा दें, कौन कौन है जी? ये मैं सरफराज की सिस्टर हूँ। अच्छा बहन है ये जी? अच्छा आप भी उम्र से? माशा पहले तो आप दोनों को उम्र बहुत। और कौन कौन उम्र से वापस आया? भाई भी आए वापस। अच्छा ये शुरू से आपको अंदाजा था, क्योंकि वैसे मुझे पता है कि अखबार में जब खबरें वबरें लगना शुरू हुई तब आप लोगों को एहसास हुआ कि भाई घर में कोई क्रिकेटर वगैरह भी है, वरना आप लोग को लिफ्ट लिफ्ट नहीं कराते? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, नहीं है। बात जो थी वो बात बता दो, गलत बात नहीं। माशाल्लाह बॉर्न क्रिकेटर है और बचपन से बैडमिंटन खिलाना था शुरू आप लोगों ने, सब पता है मुझको, क्रिकेटर तो बनाना ही था, चाहते थे बैडमिंटन खेले वो। राइट है ना, बचपन से ही शौक था, बहुत ज्यादा पैशन था क्रिकेट खेलने का, तो बस अल्लाह ताला ने मदद की और सब तारीफ अल्लाह के लिए। बेशक बेशक बेशक, ऑल द प्रेज बिलोंग्स टू अल्लाह। सही बात है। तो आपको अब जहाँ भी मिलती हैं जाती हैं, सरफराज की बहन आ गई, एक खुशी का एहसास होता होगा, अपने भाई पर बड़ा फख्र है, तो अब तो ये आपके भाई ही रहे, तो ये पूरी पाकिस्तान की जाहिर है बहनों के भाई हैं, मतलब इसमें तो कोई मतलब इसमें तो कोई अब कुछ नहीं हो सकता, ये पहले की बात से होती तो अब तो नहीं हो सकता कुछ भाई, मैं इसमें मजबूर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल हीरो है माशाल्लाह जी, ने और तमाम बहनों के भाई भी हैं। बिल्कुल नो डाउट, इसमें तो कोई शक ही नहीं रहा भाभी, इसमें तो जरा आप देखिए आपका मुकदमा लड़ रहा हूँ मैं। आप नहीं क्या बोलूँ नहीं कुछ तो बोलो, मतलब ये क्या नहीं मैं कुछ नहीं बोलूंगी। हम सब बहनों का एक ही भाई सरफराज भाई, सरफराज भाई। अच्छा जी आप भी बहन है माशाल्लाह? फर्स्ट कजन हूँ। फर्स्ट कजन है आप, क्या नाम है आपका? एमन। एमन है, अच्छा तो आप और ये आपकी अम्मी? मैं बड़ी अम्मी हूँ, ताई हैं सरफराज की ताई। माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी आप
के सामने ही पले बड़े हैं। जी हाँ जी हाँ, मेरे गोदों में पले बड़े माशाल्लाह। शरारती थे बचपन में? अरे बहुत शरारती थे, बॉलिंग का बड़ा शौक था माशाल्लाह। बॉल कहाँ, बॉलिंग का शौक था? घर में बॉल और क्रिकेट और ये तोड़ वो फेंक बस। और गुस्से का भी तेज है यार? नहीं, गुस्सा तो नहीं है। ये देखो आप बचा रहे हो, भाभी देखो बचा दे रहा है, बहुत प्यार करने वाला बच्चा। लेकिन जब आ जाता है कभी गुस्सा तो वैसे हम लोगों पे नहीं, अगर कभी आ जाते हैं कुछ होता नहीं। हाँ नहीं, बहुत प्यार। आप भी साथ आइए, पूरी दुनिया के हीरो हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने खास रहमत की है इन पे, और अपनी बादशाहत से एक ताज उठा के मेरे भाई को ऐसा पहनाया है कि वो बादशाहों का बादशाह, मगर उस बादशाह से एक ताज पहनाया, और इसको सलूट, इसको सलाम। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। ये मैंने हरम शरीफ में इसके लिए दुआ की थी स्पेशल, अभी मैं रमजान में वहीं थी माशाल्लाह, और अल्लाह पाक से हरम में आखिरी तवाफ में यही दुआ कर रही थी कि अल्लाह पाक तू बादशाहों का बादशाह, अपनी बादशाह से एक छोटी सी टोपी मेरे भाई के सर पे सजा। एक ऐसी जीत, ऐसी दुआ मैंने की थी कि अल्लाह पाक, और ये आपकी ऐसी दुआ है कि आंखों में आंसू आ जाए सुनकर, कि आपकी ऐसी जीत कि अल्लाह पाक ऐसी तारीख रकम कर दे कि पाकिस्तान न कभी ऐसा जीता हो न इंडिया कभी ऐसा हारा। वाह, मेरा आखिरी आखिरी दवा और ये मेरी आखिरी दुआ। और इस पे मैंने प्रेडिक्शन भी दी थी आज से 1.5 साल पहले कि इस पे मैंने एक अच्छी सी पोयम लिखी थी, और आज याद है कुछ उसके अशआर? हाँ बिल्कुल, सुनाइए ना। अभी आप सवाल पूछ, वो तो मैं पूछ लूंगा, टाइम बहुत पड़ा है हमारे पास, पूछ लो उससे। हाँ पूछने सुना देंगे, पूछ लो उससे, क्या पूछ लो बड़ी बहन। हाँ वो क्या वो वहाँ से वो थोड़ी है, मैच थोड़ी कह रहा है यार, रन तो रोक लेता ना यार, ये तो नहीं चलता ना ऐसी था ना ऐसी था ये यहाँ पर मेरे भाई उससे बाउंड्री पे बॉल छोड़ गई यार, क्या किया यार ये क्या यार, बॉल देखनी थी ना यार, बॉल तेरे हाथ में थी यार, बॉल तो देख जी सरफराज पे 1.5 साल पहले ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे शायद खेलने के लिए, ऑस्ट्रेलिया से बड़े गहरे ताल्लुक हैं। हाँ तो ये वहाँ पर इनको ले तो गए मगर खिलाया नहीं था, मगर वो कुछ और खेल गया। हाँ तो जाने से पहले मैंने ये नज़म लिखी थी अपने भाई के ऊपर, और बहनों की दुआएं हमेशा भाइयों को लगती हैं। जी जी मैं पकड़ा हूँ, मैं सुना है। प्यारे भाई बहुत सी दुआएं तुम्हारे लिए हैं, तुम्हारे लिए हैं, वतन का नाम लेके तुम जाओ खुलू से दिल से मोहब्बतों से, तुम्हारे पीछे हैं सबकी दुआएं, तुम्हारी माँ और बड़ों की दुआएं, इस वतन की इज्जत की लाज रखना और अपनी मिट्टी की शान रखना, चुना है तुमको खुदा ने भैया कि जीतना है तुमको हर एक से भैया, जुनून अपना खुलूस अपना दिखा ही देना तुम सबको जलवा, खुदा ही रहमत करेगा तुम पर, परेशान होना मुसीबतों पर, कि इस मुल्क का हर एक बंदा दुआ गो ही होगा बरोज़ इम्तहान, पिच पर तुम जाना दुरूद पढ़कर सलाम पढ़कर सवाब लेकर, और माशाल्लाह ये पिच के पीछे दुरूद ही पड़ता है जी, पिच पर तुम जाना दुरूद पढ़कर सलाम पढ़कर सवाब लेकर, है इनायतों के पीछे फरिश्ते समेट लेंगे तुमको रहमतों में, बड़ी चाहतों से मोहब्बतों से ये सिला मिला है दुआओं के दम से, कि तुम्हारा मुकद्दर चमक रहा है खुदा ही तुमको बुला रहा है, ये इमरान जावेद वसीम अकरम उन्हीं के टक्कर पे खड़े हो तुम अब, कि हैरान करना है तुमको ही सबको और अम्र करना है नाम अब तो, और आखिरी का एक शेर ये मेरी जो है वो थी कि मंजिल जो तुमको बुला रही है, ये खुशबू जो फूलों से आ रही है, सितारों की मानिन चिल मिला रही है, उजालों की मानिन नजर आ रही है, सिलेक्टर्स ने सोच के चुना था तुमको कि खुदा ने ये दिन दिखाना था तुमको, और ये आखिरी अभी तो तुमको कप्तान है बनना कि एक और ख्वाब तुमको मुकम्मल है करना। वाह 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 वाह। और आप? मैं इनकी चाइल्डहुड फ्रेंड की वाइफ। अच्छा माशाल्लाह, तो वो आपकी मम्मी आई वो सैफी, वो जो कहती है ना उनको प्यार से, क्या कहती? नहीं सैफी बाबू नहीं, सिर्फ बाबू। अच्छा बाबू, तो बाबू वो आई नहीं, नहीं। और आपको ये प्यार से खुश कहते हैं?
جی پورا گھر خوش بولتا ہے چونکہ آپ خوش ہیں اسے خوش بولتا ہے اور آپ اسے سرفراز بولتے ہیں جی فیضی کہتے ہیں بچپن سے فیضی کہتے تھے ماشاء اللہ آپ کو بڑا بھرا گھر ملا ہے اور سب لوگ مطلب اتنی خوبصورت آپ کی نندیں پیار کرنے والی نندیں امی جو بالکل خاموش بیٹھی ہیں بات نہیں کرتی زیادہ یہ ایک بڑی بات ہے بالکل ہاں جی کتنے نے کہی ہے نہیں نہیں میں تو عبداللہ کو دودھ پیتے دیکھا ہوں ماشاء اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا یہی سنتا ہے وہ یہی سنتا ہے جو یہ سناتا ہے دیکھ لیجئے آپ فارمولا اپلائی کر دیا امین اچھا جی یہ بتائیے آپ ماشاءاللہ سارا گھر بیٹھا ہوا ہے ہار نہ مت آج کیونکہ آپ کبھی ہارے کوشش میں آپ ہاں اچھا یہ بتائیے آپ مہران گاڑی کے لیے آپ